बिसम राय असल नाजीन कराम मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी नाजीन कराम फ़ैसलाबाद में जो इंतहाई दिल खराश पेश आया है और जिसकी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि एक बच्ची जो कि मेडिकल की तलबा है उसे जूते चटवाए जा रहे हैं कुछ दरिंदा सिफ्त लोग उसके बाल काट रहे हैं और इन दरिंदा सिफ्त लोगों में कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। अब इस सारे के सारे अफसोसनाक वाकई के हवाले से कुछ बड़ी अहम तफसलात हैं। जिस बच्ची पर तशद किया जा रहा है जिसका नाम खदीजा है उसकी बेटी अना शेख किस तरह से इसकी शादी अपने बाप से करवाना चाहती थी ये शेख दानिश नामी दरिंदा ये फैसलाबाद से ताल्लुक रखता है और इसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है मैं ये तफसीत भी आपके सामने रखूंगा और इन लोगों के हवाले से यह पूरा वाकया आखिर है क्या कब से शुरू हुआ क्या हुआ और इस वक्त क्यों ये एक टेस्ट केस बन चुका है और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है अब ये एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और किस तरह से शेख दानिश के हवाले से जो तफीलात इस वक्त हमारे पास आ रही हैं ये असल कहानी तो एंड पर कुछ और निकली है ये असल मामला तो कुछ और निकला है और ये पूरी की पूरी सिचुएशन अब बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है इस हवाले से कुछ तफसिलत में आपके सामने रख देता हूं नाजीन कराम ये फैसलाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट्री की तालिबा है खदीजा ये एक यतीम बच्ची है ये अपनी माँ के साथ रहती है और इसके दो भाई है इसके दोनों भाई इस वक्त मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और इसकी दोस्ती हुई आज से तीन साल पहले साल दो एक, में अना शेख नामी एक लड़की से और ये इसकी क्लास फेलो थी और अना शेख जो है ये बेटी है फैसलाबाद के एक नाम अमीरों अमीरो कबीर शख्स और दरिंदे शेख दानिश की अब मामला यहाँ तक नहीं है इसने इसके साथ दोस्ती की और ये इसी तरह लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी और जाहिर बात है जब ये अपने घर लेकर जाती होगी तो वहाँ पर आलीशान बंगला पैसे पैसे की फरावानी गाड़ियाँ नौकर चाकर इन सब चीज़ों से मरूफ़ भी करती होगी अब ये जो शेख दानिश है इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास किस्म का आदमी है और इनके वाले से फैसलाबाद के लोग और जराए जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये ख़ानदान जो है ये साथ ही बैठ के बेटी के साथ और सब के साथ बैठ के ये शराबे पी रहे होते हैं इनके अंदर कोई वो फैमिली वैल्यू सिस्टम तो नहीं है और ये जो इसकी बेटी अना शेख है ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है इसकी जो बेटी है अना शेख ये भी एक तरह की अपने बाप के लिए सप्लायर है और इसी तरह से ये मामला बड़ा और ये जो अना शेख है इसकी दोस्ती हुई खदीजा से इनका घर आना जाना हुआ और ये जो दरिंदा है शेख दानिश इसकी गंदी और खलीज नज़र पड़ गई इस बच्ची पर जिसका नाम खदीजा है अब इसने इसे तंग करना भी शुरू कर दिया मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्फ्लुन्शल बंदा है पैसे वाला आदमी है और इसके हवाले से वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शेख दानिश है इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है और ये शक्ल से ही घटिया आदमी लगता है और ये ताकत के नशे में दौलत के नशे में सरमस्त है और जारी बात है होना भी चाहिए बिल्कुल बनता है शेख साहब आपका क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो कानून मकड़ी का जाला है इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो फंस सकते हैं आपकी तरह के बड़े जानवर तो इस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं कानून तो आपकी बांध ही है अभी भी आप देखिएगा इस मामले के अंदर क्या होगा उस्मान मिर्ज़ा वाले केस में जिस तरह से प्रेशराइज किया गया वो किसी किसी से ढका छुपा नहीं है अब मामला बड़ा ख़राब है ये अब ये जो शेख दानिश है इसके हवाले से इसके घर के मुलाजमीन जो हैं उनके हवाले उनका भी ये दावा है और वो ये कहते हैं कि ये आदमी जो है ये तो अपने घर में मुलाजमाओं को नहीं छोड़ता दस बारह साल की बच्चियों को नहीं छोड़ता ये आदमी ये ऐसा गंदा आदमी है और इसके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शख्स है ये जारी बात है फैसलाबाद में इन्फ्लुएंशियल है इसके कुछ पोस्टर्स भी सामने आए हैं जो ये लगाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में और राणा सनाउला साहब की कैंपेन में ऊपर राणा सनाउल्ला साहब की तस्वीर तो नीचे इसकी तस्वीर भी तो इसका ताल्लुक ये भी बताया जा रहा है कि नून लीग के साथ बड़े अच्छे तल्लुत हैं और विफाक़ में चूंकि विफाक़ी वज़ी दाखिला है राणा ना साहब तो इस चीज़ को अब ज़रा जहन में रखना होगा ऑल दो पंजाब में तो पी टी आई की गवर्नमेंट है और अब ज़ाहिर बात है हम इन्हें भी एहतान इन्हें भी कसूरवार ठहराएंगे अगर इन्होंने इस केस के अंदर कोई इधर उधर की बात की अब मामला ये हुआ कि इस शख्स को इस शख्स का खदीजा बच्ची पर दिल आ गया इसने शादी की पेशकश की उसने कबूल नहीं की खदीजा का भाई बाहर से आया तो ये लोग उसकी तरफ रिश्ता लेने गए उन्होंने बड़े इज़्ज़त से बड़े एहतराम से अब ये अपने बेटी की उम्र के बेटी की उम्र की लड़की का रिश्ता लेने जा रहा है अपनी बेटी के साथ मिलके तो अब जी इन्होंने मना कर दिया अब ईगो हर्ट हो गई ईगो सिर्फ शेख दानिश साहब की हर्ट नहीं हुई ईगो अना बेटी की भी हो गई अनाया बेटी की भी ईगो हर्ट हो गई ना कि इतने हम अमीर कमीर मेरे बाप को इनकार कैसे हो सकता है ये दो टके के लोग ये फलाना ये डिमकाना और ये फिर ड्रामों का और फिल्मों का असर जो होता है इनके गंदे जहनों के अंदर और अब खैर ये मशहूर होंगे और इनकी तस्वीर मैंने टीम को कहा पीछे बैक टू बैक उस खदीजा बच्ची की चलाने की जरूरत नहीं है लेकिन इनकी तस्वीर बैक टू बैक चलाएं पूरा पाकिस्तान इन पर थू थू करे पूरा पाकिस्तान इन्हें

और ज़ुबान निकाल के चाटो ज़ुबान नज़र आनी चाहिए पूरी ज़ुबान निकालो और जूतों की बैक साइड भी चाटो उसके बाद इसके बाल काटे गए इसकी भंवें मुंदी गई इसके आईब्रोज हैं वो शेव किए गए उसके बाद आप इस शेख दानिश की हिम्मत चेक करें जिस घर में इसकी बेटी मौजूद थी उसी जगह से उसकी दोस्त को लेकर ये कमरे में जाता है वहां पर उसे नीम ब करता है और उसके साथ ज्यादा की कोशिश करता है ये इनका सिस्टम है फैमिली वैल्यू सिस्टम भी इनका और इनकी ये जो झूठी अनाए हैं ना यहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं खैर बेटी सप्लायर उसे नहीं पता इससे पहले वो क्या करता रहा है बाप उसका क्या गंद करता रहा है अब यहां पर नाजीने करा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि उसके बाद इन्होंने धमकियां धमकियां दे के चले गए इनके अपने किसी बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी वो वीडियो वहां से निकली तो ये पूरी कौम के सामने आया फिर पुलिस में हरकत मरना तो इन्होंने प्रेशराइज उन्हें किया हुआ था उल्टा उनसे पैसे भी ले रहे थे उनसे ब्लैकमेल करके पैसे भी ले रहे थे उनके फोन भी चोरी करके ये घटिया और मरदूद लोग गंदे लोग लेकर चले गए और यहां से अब अंदाजा करें आपके अब ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका है क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है इस चीज़ को आपने जरा जहन नशीन कर लेना इस मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं है किसी की बेटी बहन बीवी कोई महफूज नहीं है इस तरह के दरिंदे और वो कहते हैं ना कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो चिराग सब के बुझेंगे हवा किसी की नहीं तो ये आवाज उठाना हमारे पे इसलिए भी फर्ज है अपने आप को बचाएं ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं आ हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है हम पिछले वाक को भूल जाते हैं गंदे वाकियात गलीज वाक यह क्या वाक्य है और इसके ऊपर अभी भी ये प्रेशर डालेंगे अभी भी इन्हें धमकाएंगे पूरा निजाम इनके साथ होगा पूरी और आप देख लें पंजाब पुलिस ने मर्दों को गिरफ्तार किया उनकी तस्वीर लगाई लड़की की तस्वीर ब्लर कर दी ओ भाई अगर खदीजा की तस्वीर पूरा पाकिस्तान देख सकता है भाड़ में जाए तुम लोगों के एथिक्स इसकी भी लगाओ ये जिसकी अना मजरू हुई थी जो अपने बाप की सप्लायर थी उसकी भी तस्वीर लगाओ और ये लगाना बहुत जरूरी है पूरी कौम को बताना बहुत जरूरी है सबके सामने इनके गंदे चेहरे आने चाहिए और इस वक्त नाजीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल ये है कि इस पूरे सिचुएशन के अंदर अब कुछ लोग एक और औरत भी थी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया जो कह रही थी अपनी आवाज में कि अना के जूते चाटो वो कौन है अब ये देखना है ये जो ऐना बेटी के जूते चटवा रही थी जिसे बड़ी टेंशन थी कि इसकी ईगो हर्ट हुई है तो अब इसकी ईगो को हम ठीक करें और इसे कोई तसल्ली हो बेटी को इसे नींद अच्छी आ सके अब ये लोग अगर कानून इसके अंदर रिलक्टेंट होता है फिर आप फातिहा पढ़ लें अपने मुल्क के निज़ाम इंसाफ़ पर और अपने बोरिए बिस्तर पैक करें और जो निकल सकता है ना वो पहली फुर्सत में फिर निकल जाए इधर से क्योंकि बड़े दुख के साथ और मैं बड़ा अपने अल्फाज पर कंट्रोल कर रहा हूँ बड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज ना भूल जाऊँ जो ना कहने वाले हों लेकिन ये डिजर्व इससे बहुत ज़्यादा करते हैं जो कुछ मैंने कहा ये उससे भी ज़्यादा घटिया लोग हैं इस पैगाम को जितना शेयर कर सकते हैं करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह नगिमान पाकिस्तान जिंदाबाद